है और यही एक मार्ग है जो प्राचीन माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का मार्ग था। इसका पहला दर्शन कौल कंडोली है और रास्ते में जगह जगह मंदिरों पे ये यात्रा रुकते हुए देवा माई के वहाँ से निकल के नुमाई के रास्ते, यही वो प्राचीन रास्ता था जहाँ से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा होती थी। हम सब का ये कोशिश है कि इस यात्रा को दोबारा अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक इसको अपना पुराना मकाम दें, ताकि आने वाले समय में लोग जो हैं कौल कंडोली का पहला दर्शन करते हुए, जगह जगह अलग अलग स्थान पे दर्शन करते हुए, बम्याल के रास्ते, मड़ के रास्ते, छिपा के रास्ते होते हुए नुमाई पहुँचें और फिर माँ के दरबार में अपने दर्शन करके माता का इस यात्रा का पूरा पूरा आनंद उठाएं। रास्ते में सुविधाएं भी बनाई जाएंगी और आने वाले समय में हमने राज्यपाल महोदय से भी ये दरख्वास्त की है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो इस यात्रा को अडॉप्ट करे और ये यात्रा रूट जो है यही एक रूट बने जहाँ से के माता के भगत जो हैं यहाँ से श्रद्धापूर्ण माता वैष्णो देवी जी माँ भगवती के दर्शन करने के लिए जाएं। ये हमारी सबकी कोशिश है। ये एक बड़ी पुरानी संस्था है जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाई है, जो प्राचीन इस यात्रा को चलाती है। और इस बार मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी और राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने इस यात्रा को एक नई शक्ल देने में हमें योगदान दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के जो यात्री होंगे कौल कंडोली के दर्शन करके, पहला दर्शन माँ कौल कंडोली का यहाँ पे करके फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन पे इसी रास्ते से जाएंगे। ये प्रसिद्ध रास्ता है और एक समय आएगा जब आप लोग देखेंगे हर आदमी जो यात्रा करने जा रहा है वो इसी यात्रा से जाएगा। आज